चलिए देखते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में रोचक तथ्य। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर बाल लगे हैं जो असली हैं। यह बाल कभी भी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम बने रहते हैं। जब मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में है, लेकिन आप जैसे ही गर्भगृह के बाहर आएंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की प्रतिमा दाहिनी तरफ स्थित है। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर सुनेंगे तो समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एक दिया जलता है जो हमेशा ही जलता रहता है, और चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस दिए में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी को पसीना भी आता है, पसीने की बूंदों को देखा भी जा सकता है, इसीलिए मंदिर का तापमान कम रखा जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर में स्थित भगवान श्री विष्णु की यह एकमात्र प्रतिमा है जिसमें वे विशिष्ट मुद्रा में माँ लक्ष्मी की तरह ही वर दे रहे हैं। इस प्रतिमा में ही माँ लक्ष्मी समाहित है, इसीलिए रोज के श्रृंगार में प्रतिमा के ऊपरी हिस्से में साड़ी और निचले हिस्से में धोती पहनाई जाती है। यहाँ के गर्भगृह में चढ़ाई गई किसी भी वस्तु को बाहर नहीं लाया जाता। तिरुपति बालाजी मंदिर के पीछे एक जल कुंड है, उन्हें वहीं पीछे देखे बिना उनका विसर्जन किया जाता है। अगम शास्त्र के अनुसार तिरुपति बालाजी के नेत्र हमेशा खुले रहते हैं, जिनके दर्शन से आत्मा शुद्ध हो जाती है।